हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम एडमिशन ऑफ पार्टनर TS ग्रेवाल की टेक्स्ट बुक से, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 61 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 62 करेंगे, जिसमें हमारा जर्नल एंट्रीज का टॉपिक नहीं है। इसमें हमें सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। अब इसमें भी मैं आपको कैपिटल अकाउंट्स के और रिवैल्यूएशन अकाउंट के स्टेप्स बताऊँ। कैपिटल अकाउंट्स के हमारे स्टेप्स में हमने जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है उसको स्टेप्स में रेडी किया हुआ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की मैंने आपको ट्रिक्स बताई हुई हैं कि जिससे आपके क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक ना हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 62 रीड करने जा रहे हैं, स्क्रीन पर देखो। बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:3 एज ए 31 मार्च 2016 इज गिवन बिलो। देखो, दो पार्टनर्स हैं, उनकी ओल्ड रेशो आपको दी हुई है 2:3। लाइबिलिटी साइड में आपको मधु और विधि की कैपिटल दी है, जनरल रिजर्व दिया एंड बिल्स पेबल अकाउंट दिया। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स और उसके ऊपर प्रोविजन बना हुआ है 10,000 रुपीज का एंड बैंक बैलेंस दिया है। नीचे आपको इन्फॉर्मेशन में बोला है, मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 2:3:5। आपको न्यू रेशो भी निकाल के दी है। गायत्री प्रोट 4 लाख एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। देखो, 4 लाख अपनी कैपिटल लाई है और अपना ही जितना उसका शेयर बनता है गुडविल प्रीमियम का वो भी कैश में लाई है। नीचे आपको इन्फॉर्मेशन है, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 3 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 26,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑन डेटर, देयर वॉज अ क्लेम 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। अब देखो, हमने जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने नोट डाउन कर ली है। सबसे पहले हमें देखो, जब हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें न्यू रेशो चाहिए होती है, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। न्यू रेशो की इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी थी। न्यू रेशो के बाद हमारा सेकेंड रूल होता है कि आपको सेक्रीफाइजिंग रेशो चाहिए होती है। आपको कैसे भी करके अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है उसके भी आप पर सेक्रीफाइजिंग रेशो कैलकुलेट करनी होती है। बट इसमें हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है, तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइजिंग रेशो निकाल लेंगे। नंबर वन रूल, ये कंपल्सरी होता है हमारा एडमिशन। क्यों? क्योंकि हमें गुडविल का जो केस होता है नए पार्टनर का, उसको हमें सेक्रीफाइजिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या होती है? सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले दो पार्टनर्स हैं, मधु और विधि, इन दोनों की पहले हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल लेंगे। मधु की निकाल लेंगे, मधु सेक्रीफाइज, ओल्ड क्या है इसका 2/5 और न्यू क्या है 2/10। अब देखो, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। हम ऊपर वाले नंबर को तभी हम माइनस कर सकते हैं जब नीचे का नंबर क्या होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। तो ये 10 है तो मैं इसको भी क्या करूंगी, 10 बना दूंगी। जो नीचे नंबर मल्टीप्लाई होता है वही सेम ऊपर होता है, तो अब क्या हो जाएगा, 2 to the 4 माइनस 2 इस सेम हो गया, तो ये क्या आ गया 2/10 इसका सेक्रीफाइजिंग शेयर आ गया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, विधि का निकाल लेंगे। विधि सेक्रीफाइज, इसका ओल्ड क्या है 3/5 और न्यू क्या है 3/10। अब ये 10 है तो इसको भी मैं क्या करूंगी, 10 बना लूंगी सेम वैसे। तो 3 to the 6 माइनस 3 अपॉन में 10, तो क्या हो गया 3/10। ओल्ड पार्टनर्स का ही सेक्रीफाइस निकलता है। ये क्या है, सेक्रीफाइजिंग शेयर। और अब मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगी, अगर आप सेक्रीफाइजिंग शेयर लेते हो और जब सेक्रीफाइजिंग रेशो लेते हो, कैसे इसका दोनों में कंपेयर हम कैसे करेंगे। देखो, जब हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब हम गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, अभी जो हम कैपिटल अकाउंट में स्टेप आएगा तब मैं आपको इसका करके दिखाऊंगी, ठीक है। अब हमें इसकी रेशो निकाल लेंगे, दोनों का क्या है डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो सेक्रीफाइजिंग रेशो क्या आ गई, 2:3 आ गई, क्लियर। ये मेरा फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड रूल मेरा क्या होगा, ये मेरा फर्स्ट रूल कंपल्सरी है,
सेकेंड रूल मेरा क्या होता है, दो चीज़ें मुझे जरूर चाहिए होती हैं आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर में, एक मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए होती है और न्यू रेशियो चाहिए। सेक्रीफाइसिंग न्यू तो देखो न्यू रेशियो में तब चाहिए जब वहाँ पास कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक आएगा, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो मुझे कंपल्सरी चाहिए क्योंकि मुझे गुडविल की एंट्री कंपल्सरी करनी होती है, और सेकेंड मुझे उसी पार्टनर का जो पार्टनर एडमिट हुआ है उसका शेयर चाहिए जितना वो प्रीमियम लेकर आया है। ठीक है, अब आपको गुडविल वैल्यूड दिया है, गुडविल वैल्यूड दी है, क्या गुडविल वैल्यूड का मतलब क्या होता है, ये जो गुडविल वैल्यूड का मतलब होता है पूरी फर्म की गुडविल, मतलब ये टोटल फर्म की गुडविल है, टोटल फर्म की गुडविल है, मतलब टोटल फर्म की गुडविल का मतलब होता है कि ये सारे पार्टनर्स की है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, तो हमें सिर्फ इसी में से उसका शेयर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 लाख इंटू इसका शेयर कितना है 5/10, तो 5/10 कितना होता है 1,50,000। क्लियर हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अभी पहले देखो जब भी आपको क्वेश्चन करना है, देखो हमें अकाउंट बनाना बहुत इजी होता है, उससे पहले आपको ये वर्किंग नोट क्लियर कंप्लीट करने बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि क्वेश्चन देखो एंट्री करने में टाइम नहीं लगता, आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम देखो अब ये मेरे को उसका निकला, ये किसका निकल के आया, नया पार्टनर गायत्री की। अब जब हम गुडविल की एंट्री करेंगे ना, गुडविल की एंट्री करेंगे, अगर आप 2/10 या 3/10 लेते हो तो आप इसमें टोटल फर्म की, अगर आप इस वाले शेयर को लोगे तो यहाँ पर टोटल फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई होगी, टोटल फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई होती है जब हम शेयर लेते हैं, और जब आप रेशो को यूज करोगे, जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशो को यूज करोगे, जैसे रेशो क्या हो जाएगी 2/5 और 3/5, तो रेशो को यूज करोगे तो आप गायत्री का जो शेयर होगा उससे मल्टीप्लाई करोगे, आंसर दोनों केस में सेम आएगा। जब ये स्टेप आएगा मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हमें क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशो मिल गई। अब हम चलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ। रीवैल्यूएशन अकाउंट का रूल आपको पता ही है, मैंने पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। रीवैल्यूएशन के केस में क्या होता है, अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर, मैं लिख देती हूँ एसेट्स और लाइबिलिटी, अगर इन दोनों में से किसी के ऊपर भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपको क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो रीवैल्यूएशन की किस साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में, और अगर आपको इन दोनों में से किसी के ऊपर लॉस हो रहा है तो रीवैल्यूएशन में किस साइड जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। क्लियर, बस आपको इतनी सी चीज ध्यान रखनी है। अब हम नंबर 1 से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या है, गुडविल वैल्यूड, गुडविल वैल्यूड को हमें इसमें नहीं लेके जाना है, कैपिटल अकाउंट में इसकी एंट्री होती है तो इसको अभी स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग वॉज अंडर वैल्यूड बाई 26,000। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी क्या होती है, एसेट होती है। देखो अगर एसेट का प्राइस हमने मार्केट में कंपेयर किया, हमने देखा कि मार्केट में क्या चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है, मोर देन चल रहा है, ठीक है, हमारे हमने जो लगाया, लेकिन हमने क्या हुआ है, अंडर वैल्यूड, कम लगाया हुआ है, कम पाया गया हमारी बैलेंस शीट के अंदर, तो अगर हमने पता है कि किसी चीज़ का प्राइस कम है तो हम उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब हमें डिपेंड करता है कि किसकी बात कर रहा है, एसेट की। अगर एसेट का प्राइस बढ़ जाएगा, अगर आपकी ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसेट है, हम जिस घर में रह रहे हैं, जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं, मान लो आप उसको सेल करने जाओगे, हमने तो प्राइस लगा रखा था 1,00,000 रुपये, लेकिन जब हम मार्केट में उसको सेल करने गए तो वो तो भाई 2,00,000 रुपये की बिक रही है, तो क्या हुआ, हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना। अगर हमने प्राइस कम लगा रखा है तो हम इसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो अब हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो हम इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, सीधा क्रेडिट साइड में। यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, आपको पूरा लिखना है, ठीक है, बाय वर्ड है ना, तो एज इट इज अमाउंट लिख देंगे 26,000। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है प्रोविजन फॉर, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज मेड इक्वल टू 5%। आपको 5% के इक्वल बनाना है, आपको क्या बनाना है, प्रोविजन 5%। जब भी डेटर्स वाला आएगा, जब भी आपके पास डेटर्स वाला पॉइंट आएगा, तो आप एक रफली में क्या करोगे, साइड में एक प्रोसेस करके देखोगे जो कि आपकी न्यू बैलेंस शीट के अंदर होगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देती हूँ, आपको देखो ये पता लगे, ये तो क्लियर है ना, आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये आप क्या करोगे, नोट डाउन करोगे, हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो याद रखना 2:3 है। अब मैं आपको यहाँ पर ये करके दिखाती हूँ कि आपको जब भी
जब भी आपका डेटर्स का पॉइंट आएगा तो डेटर्स के ऊपर आपको क्या करना है, एक प्रोसेस करके देखने, जो कि आपकी न्यू बैलेंस शीट में जाएगी। देखो डेटर्स पहले हैं कितने के, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो चाहे आपको 2 मिनट्स एक्स्ट्रा लगे बट आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी क्वेश्चन के अंदर, जो कि सब मोस्टली बच्चों को ये पॉइंट्स में ही प्रॉब्लम आती है। डेटर्स हैं कितने, डेटर्स के सामने वाला अमाउंट लिखो कितना है, 3 लाख। क्लियर हो गया। अब आपको कितना प्रोविजन बनाना है, 5% बनाना है। वैसे पहला स्टेप क्या होता है, इसमें बैड डेट्स लेस करते हैं जो कि हमें नहीं दिया है, तो सीधा 5% हम क्या कर देंगे, प्रोविजन को लेस कर देंगे। तो लेस कर देंगे, न्यू प्रोविजन बोलते हैं इसको। तो इसमें से 15,000 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो ये जो आएंगे आपके पास 2,85,000 जाएगा, ये आपका न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। बट अब आपको रिवैल्यूएशन में कितना डालना है ये आपको ध्यान रखना है। आपको टोटल लॉस कितना हो रहा है, आपको लॉस कितना हो रहा है, देखो जितना जो न्यू प्रोविजन होता है ना, जो हमारा न्यू प्रोविजन बनता है या फिर आप बैड डेट्स को लेस करते हो, वो हमेशा लॉस होता है, एक्चुअल लॉस होता है एक्चुअल। तो हमारे का न्यू प्रोविजन कितना है, वो आपका एक्चुअल लॉस है, उसको माइनस कर दो, -15,000। जो आपका ओल्ड प्रोविजन पहले बना हुआ है, जो आपका ओल्ड प्रोविजन पहले बना हुआ है, उसको हम हमेशा प्लस कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसकी अब हमें जरूरत नहीं है, हमने नए सिरे से बना दिया। तो अब इसको क्या कर दोगे, ऐड कर देंगे ओल्ड प्रोविजन, कितना बना हुआ है 10,000 का, इसको प्लस कर देंगे। हमेशा न्यू प्रोविजन को माइनस करते हैं और ओल्ड प्रोविजन को प्लस करते हैं एक्चुअल में। फिर हम देखते हैं कि नेगेटिव में बच रहा है या फिर पॉजिटिव में बच रहा है। अगर नेगेटिव में बचता है तो आपके रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा, क्योंकि डेबिट में लॉस जाता है, और अगर पॉजिटिव में बचता है तो वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में जाता है। अब देखो हमारा नेगेटिव माइनस प्लस माइनस होता है, तो कितना बच गया, नेगेटिव में बच गया। कैसे बच गया, नेगेटिव में। अगर नेगेटिव में बचा तो मुझे एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है इतने का, तो नेगेटिव में कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। तो यहां लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, क्योंकि आपका न्यू प्रोविजन कितना था? हमने कैसे निकाला है, 15 - 10, कितना आ गया यहाँ पर, 5,000 रुपीज का। समझ आ गया। ये प्रोसेस हमेशा, मैं आपको जितने भी आगे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको हर क्वेश्चन में करके दिखाऊंगी। हर क्वेश्चन में आपके अलग अलग केसेस हैं, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस प्रोसेस पे, कभी भी आपको मिस्टेक नहीं होगी जब भी आप क्वेश्चन करोगे, अगर आप सीक्वेंस में करोगे। क्लियर। नंबर 3, देयर वॉज अ क्लेम 6,000 अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री आती है तो उसमें भी आप क्या करोगे, एक जर्नल एंट्री पास करके देखोगे, ताकि आपको पता चल जाए कि रिवैल्यूएशन में जाएगा या फिर नहीं जाएगा, रिवैल्यूएशन में जाएगा या फिर नहीं जाएगा। मैं फिर यहाँ पर आप कर रही हूँ, आपको वर्कमैन कंपनसेशन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वर्कमैन कंपनसेशन की भी आप क्या करोगे, देखो जब भी वर्कमैन कंपनसेशन की आती है आप पहले बैलेंस शीट में चेक करोगे, बैलेंस शीट में आप चेक करोगे कि बैलेंस शीट में आपका वर्कमैन कंपनसेशन इस साइड रखा तो नहीं है, नहीं रखा है आपका कहीं भी, सिर्फ मधु की कैपिटल दिए, जनरल रिजर्व दिए और बिल्स पे, अभी अमाउंट में यहाँ पे नोट डाउन करूंगी आपको। यहाँ पे कोई भी वर्कमैन, अगर आपका लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रखा है, कभी भी एंट्री आएगी पहले रफली में जनरल एंट्री पास करके देखोगे, उससे आपको पता चलेगा कि रिवैल्यूएशन में जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। अगर आपका यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रखा है तो उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं। बट मेरा इस केस में नहीं रखा है, नहीं रखा है, तो जितना आपको नीचे इन्फॉर्मेशन में बोलता है आपको बनाना है, उतना वो जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो जाता है। मतलब मेरा यहाँ पे 2 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा 6,000 रुपीज का। क्लियर हो गया। बट डेबिट वाला तो है ही नहीं, अगर डेबिट वाला होता तो उसमें से मैं उतना शिफ्ट कर देती, ठीक है, बट उसमें कुछ भी नहीं है। अगर डेबिट में स्पेस पूरा का पूरा ब्लैंक बचता है तो वो वहां पर क्या जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट से बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। समझ आ गया। क्यों, क्योंकि मुझे ये नया बनाना है, लाइबिलिटी मुझे क्रिएट करनी है, पहले मेरा नहीं है कि मैं उसमें से ले पाऊं। अब पूरा का पूरा 6,000 बन गया रिवैल्यूएशन में से, 6,000 पूरा, तो ये कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड में चला जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगी 2 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना, 6,000। एक और इंपॉर्टेंट बात, WCR जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन है,
कभी भी नेवर कम्स इन क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट. रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में कभी भी वर्कमैन कंपनसेशन नहीं आएगा, आएगा तो हमेशा डेबिट साइड में ही आएगा, और उसमें भी हमको चेक करना पड़ेगा जर्नल एंट्री पास करके. रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में कभी भी नहीं बनेगा. ये भी रीवैल्यूएशन की एंट्री खत्म हो गई. अब मैं इसका क्या करूँगी, बैलेंस मिलाऊंगी. इस साइड का देखो मोर देन है, इसका लेस देन है, तो दोनों का टोटल कर देते हैं. यहाँ पर कितना आ गया 26,000, इसमें से इसको माइनस करूंगी तो कितना बचेगा 15,000. तो इस साइड अगर बचता है, क्योंकि इनकम मेरी ज्यादा है, ये एक्सपेंसेस कम है, तो इधर क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा. तो यहां लिखूंगी टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कौन से पार्टनर को जाता है ये, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशो में. थोड़ा सा नीचे ही लिखना पड़ेगा ताकि एक जैसी सीक्वेंस हमारी बनेगी. इधर आएगा थोड़ा, तो इनको डिवाइड भी करना है 26,000. अब 15,000 की ओल्ड रेशो कितनी है मेरी, 2:3. ओल्ड रेशो में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी. किसको मिलेगा, मधु को और विधि को. कितना हो जाएगा 15,000 इंटू 2/5 और 15,000 इंटू 3/5. तो इधर आ जाएगा 9,000 और इधर आ जाएगा 6,000. ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट बनता है. अब देखो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया. अब हम कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे. कैपिटल अकाउंट्स के मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर में पहले भी बनाया, उसमें स्टेप्स के अकॉर्डिंग बनाना है. अगर आप स्टेप्स लिखते रहोगे, स्टेप्स के अकॉर्डिंग बनाओगे, तो आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी. नंबर वन जो हमारा स्टेप होता है वो होता है हमारा, जब भी हम कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करेंगे, बाय बैलेंस बीडी से, जो ओल्ड पार्टनर्स के बैलेंस दिए होते हैं. कैपिटल अकाउंट का बस इतना बिल्कुल सिंपल होता है, आपको क्रॉस ट्रांसफरिंग करनी है. उसके लिए आपको पहले रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट दोनों चीज़ें होनी चाहिए आपके पास. इसीलिए मैंने एक पूरे उस पर बोर्ड के ऊपर चारों चीज़ें एक साथ बनाई हैं. ठीक है, सबसे पहला हमारा होगा बाय बैलेंस बीडी. बाय बैलेंस बीडी बैलेंस शीट में आपको बैलेंस दिए होंगे कैपिटल के. देखो ये दिया है ना, ये वाला और ये वाला, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड. जब भी हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफरिंग करनी है, अगर कोई चीज़ लेफ्ट में है तो राइट में जाएगी, और अगर किसी चीज़ की एंट्री करनी है राइट में है तो लेफ्ट में जाएगी. अब लेफ्ट साइड है तो ये कौन से साइड में जाएगा, ये लेफ्ट है तो कैसे जाएगा, इधर राइट साइड में क्रॉस ट्रांसफरिंग में. इनका बैलेंस जाएगा 5,20,000 और इसका है 3,00,000. पहले हम ओल्ड पार्टनर्स की चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, नए पार्टनर की अभी एंट्री नहीं कर रहे हैं हम कैपिटल अकाउंट में. पहला स्टेप हो गया. नंबर टू स्टेप में हम बैलेंस शीट में ही अभी जाएंगे. बैलेंस शीट के अंदर अगर हमारा कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस में से कुछ भी पार्ट पड़ा है, मैंने शॉर्ट्स में भी पूरी लिस्ट डाली हो, आप उसमें भी देख सकते हो, आपका कोई रिजर्व पड़ा हो, कोई भी आपका फिक्टिशियस एसेट जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह लॉसेस पड़ा होता है, तो हम उसके भी क्या करते हैं, क्रॉस ट्रांसफरिंग करते हैं. अब इसमें देखो पूरी बैलेंस शीट में मेरे को इस साइड में मेरे पास क्या पड़ा है, जनरल रिजर्व पड़ा है. क्या पड़ा है, जनरल रिजर्व. और इस साइड मेरे पास कुछ भी नहीं पड़ा है, तो ये लेफ्ट साइड है तो ये भी किस में जाएगा, राइट साइड में जाएगा. किस में जाएगा, राइट साइड में. तो यहाँ लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट. ये कौन सी रेशो में बढ़ता है, अगर हमें स्टिल अगर हमें कोई भी नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है. हम यहाँ पे ये नंबर मेरा टू स्टेप है. कौन सी रेशो थी हमारी, ओल्ड रेशो क्या थी हमारी, 2:3. ओल्ड रेशो हमारी इसमें क्या दी हुई थी, मैं भूल भी गई थोड़ा सा, 2:3 है, 2:3. तो इसको 2:3 में कितना है ये 30,000. जब इसको 2:3 में बांटोगे तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12,000 और 18,000. नए पार्टनर का कोई भी रोल नहीं है. अब नंबर थ्री स्टेप, पहला स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप पे हमारा होता है रीवैल्यूएशन. बैलेंस शीट के जस्ट बाद क्या है मेरा, रीवैल्यूएशन. बैलेंस शीट का रोल खत्म, बैलेंस शीट में बैलेंस जाता है और अगर कोई भी हमारा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का पार्ट होता है उसको हम शिफ्ट कर देते हैं. उसके बाद मेरा नेक्स्ट आता है रीवैल्यूएशन. रीवैल्यूएशन में हमारा देखते हैं प्रॉफिट या लॉस, जहाँ पे पार्टनर्स का नेम है ना यहाँ पर, अगर लेफ्ट है तो वो भी राइट में, और अगर राइट में आता है पार्टनर्स का नाम तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है. अब ये लेफ्ट साइड है तो ये भी कहाँ जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा. तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी,
बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या लिखेंगे रीवैल्यूएशन, हमने बांटा हुआ है ये कितना आया था 6000 और 9000, रिवैल्यूएशन में सिर्फ यही वाला रोल होता है। उसके बाद हमारा नंबर 4 स्टेप होता है नए पार्टनर की एंट्री करते हैं, नए पार्टनर की एंट्री करेंगे, नया पार्टनर जो क्या लाएगा, सबसे पहले कैपिटल लाएगा, तो उसको हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। हम देख लेते हैं इसमें कौन सा बैलेंस है, बैंक है ना तो बैंक का नाम ही लिखेंगे, अगर कैश होता है तो कैश का लिखते हैं, और अगर दोनों होते हैं तो दोनों में से आपकी च्वाइस है, ये बाय बैंक अकाउंट। अब यहाँ तक ओल्ड पार्टनर्स का रोल था, अब नए पार्टनर की एंट्री होगी, कैपिटल लेकर आएगा, कितनी कैपिटल लेकर आया था जब नया पैटर्न, हमने क्वेश्चन रीड किया था, वो नया पैटर्न जो कैपिटल लाया था 4 लाख रुपीस की कैपिटल लाया था, कितनी लाया था 4 लाख रुपीस, ये हो गया नंबर 4। नंबर 5 स्टेप में कैपिटल के साथ वो प्रीमियम भी लेकर आता है, अगर प्रीमियम कैश में लाता है, अगर प्रीमियम कैश में लाता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और अगर कैश में नहीं लेकर आता तो उसी पार्टनर का नाम आ जाता है और उसके साथ करंट वर्ड यूज कर लेते हैं। अब जो गुडविल थी हमने, मैंने अब यहाँ पे करके दिखाती हूँ नीचे वर्किंग नोट में फिर से, जो गुडविल थी वो लेकर आया था, वो हमें पूरी फर्म की हमें दी हुई थी 3 लाख रुपीस, आपको याद है हमारे जो पूरी फर्म की इशू मैंने करके भी दिखाई थी, जो गुडविल वैल्यूड थी वो कितनी थी 3 लाख रुपीस, और उसका जो शेयर है उसका शेयर हमने निकाला था 5/10 आया था, उसको 1/2 हो गया, तो हमने करके दिखाया था अपने पीछे जब हमने स्टार्टिंग में किया था 1,50,000, ये उसी का शेयर है। इस 1,50,000 को मैं ओल्ड पार्टनर्स को दे दूंगी, कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइजिंग रेशो में, कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइजिंग रेशो में, जो कि हमने स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन शुरू किया था हमने निकाली थी, तो कितनी आई थी 2:3 आई थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम बांट देंगे, 1,50,000 को 5 से डिवाइड करोगे, इसके टोटल से कर लेते हैं, इसके टोटल से तो क्या हो जाएगा, 1,50,000 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 30,000, 30 × 2 = 60,000 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 90,000 आ जाएगा। अब फिफ्थ स्टेप के बाद हमारा 6th स्टेप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है, बट इसमें हमारा ये वाला केस अभी नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड का टोटल बीडी से हमने स्टार्ट किया था, सीडी पे हम इसको खत्म करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 बैलेंस सीडी। अब यहाँ पर सबका टोटल करेंगे, अब पहले इसका टोटल करेंगे इस साइड का, और फिर इन तीनों को बराबर कर देंगे। अब इसका देखो कैसे करते हैं, सबके पीछे 330 कंपलसरी है, 3 का 3, यहाँ पर 30 लगा देते हैं, 0, 6 + 2, 8, फिर क्या आता है 6 + 1, 7 + 2, 9, और इसका आ रहा है 5। आप जरा चेक भी कर सकते हो कि देखो 5,98,000 आ रहा है, इसका इस साइड हमारा कुछ भी नहीं है कि हम उसको सबट्रैक्ट कर पाए, तो बैलेंस सीडी कितना आ गया 5,98,000, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5,98,000। अब ऐसे ही भी इसका करते हैं, सबके पीछे 330 कंपलसरी है, तो 330 के नीचे ऐसे लाइन लगा दो, फिर 0, 9 + 8 = 17, 17 का 7, कैरी बचा 1, 1 + 9 = 10, + 1 = 11, 11 का 1, कैरी बचा 1, 1 + 3 = 4, 4,17,000, और इसका क्या आएगा गायत्री का, इस नए पार्टनर का देखो हमेशा ध्यान रखना, जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है उसका जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसके अकाउंट में सिर्फ लेफ्ट साइड और राइट साइड सिर्फ वही वाला अमाउंट आता है जो वो पार्टनर कैपिटल लेकर आता है, उसके अलावा उसके कॉलम में लेफ्ट और राइट साइड में कुछ भी अमाउंट नहीं आएगा। इसका क्या आ जाएगा 4 लाख रुपीज। अब आते हैं हमारा, हमने देखो आप अपनी अपनी बुक्स में चेक भी कर सकते हो, पूरा बैलेंस सीडी हमारा एकदम एक्यूरेट मैच होता है। अब हम आते हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे वो रीवैल्यूएशन से और कैपिटल से इनकी मैचिंग करके बनाएंगे। बैलेंस शीट का क्या रूल होता है, हम सेम साइड को मैचिंग करते हैं, जिस चीज़ की मैचिंग करते जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से, अगर जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, अगर लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूएशन में जैसे ये राइट साइड में है, अगर इसमें भी राइट साइड है सेम साइड है तो दोनों साइड क्या हो जाती हैं ज्वाइन हो जाती हैं।
अगर वो लाइनर बिल्डिंग अपोजिट में मैच कर जाता है तो वो क्या हो जाता है, अगर अपोजिट होता है तो वो माइनस हो जाती हैं, प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर सेम साइड है तो उसको प्लस करेंगे और अगर अपोजिट है तो माइनस करेंगे और बैलेंस शीट में मैचिंग करते जाएंगे। सबसे पहले क्या है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख है, रिवॉल्यूशन में मैचिंग करो कितना है, सेम जा रहा है सेम साइड, ये भी राइट साइड में है ये भी राइट साइड में, तो दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, तो दोनों को प्लस करेंगे 3 लाख प्लस 26, यहाँ लिखती भी जा रही हूँ मैं, 3 लाख प्लस 26,000, तो कितना हो गया 3,26,000, इसकी मैचिंग हो गई, मैचिंग रिवॉल्यूशन में टिक करते जाओगे। नेक्स्ट एंट्री आती है मशीनरी की, मशीनरी देखो राइट साइड है, इस साइड देखो कहीं पर भी नहीं है, मैचिंग नहीं हो रही, तो हम एज इट इज ही लिख देंगे, क्या लिख देंगे एज इट इज, तो यहाँ पर आ जाएगा मशीनरी, तो मशीनरी का कितना है 2,80,000। नेक्स्ट आता है हमारा स्टॉक, स्टॉक का भी देखो कहीं पर नहीं है मैचिंग, तो इसको भी एज इट इज लिख देंगे 80,000। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डेटर्स, डेटर्स की मैंने आपको करके दिखाया था, डेटर्स का 3 लाख है, इसमें से लेस करा था ये हमने, मैंने रफली मैं फिर से करके दिखा देती हूँ हम डेटर्स का कैसे करते हैं, देखो मैं इसमें डायरेक्ट इसी में करके दिखा रही हूँ, यहां लिखूंगी डेटर्स कितने हैं 3 लाख रुपीज, इसमें से मैं लेस करूंगी न्यू प्रोविजन जो कि हमने कितना बनाया था 15,000 रुपीज का, तो मेरा यहां पर आ जाएगा 2,85,000। नेक्स्ट आता है हमारा, इसकी भी मैचिंग हो गई, बैंक, बैंक हो गया 50, बैंक का ध्यान से देखो बैंक का बैलेंस कैसे बनाना है आपको, बैंक का देखो कितना दिया है 50, तो यहां पर 50,000 लिखेंगे। अब देखो बैंक पे हमने पहले 50,000 लिख लिया, अब हम देखेंगे जब भी हम किसी के हम बैलेंस शीट में डालेंगे उसी के सेम साइड हमारा रिवैल्यूएशन और कैपिटल बना है, सेम साइड में जहाँ पे भी बैंक है उसको हम प्लस करते जाएंगे। देखो पहले 50 लिखा, रिवैल्यूएशन में देखो कहीं पर भी बैंक का नाम नहीं है, अब हम कैपिटल में आ जाएंगे, कैपिटल की देखो राइट साइड बैंक राइट साइड में था बैलेंस शीट में, अब इसमें देखते हैं राइट साइड में देखो बैंक है यहाँ पर है, देखो ये रहा ना बैंक जब नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया था सेम साइड, तो अब सेम साइड में क्या कर दोगे कितने 4 लाख रुपीज, इसको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे प्लस। अब अगर जिस बैंक के नेक्स्ट वाले अगर प्रीमियम फॉर गुडविल होता है तो इसको भी आप बैंक मानते हो, क्यों, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल हम तभी यूज करते हैं जब नया पार्टनर गुडविल किस में लेकर आता है कैश में लेकर आता है, तो ये भी पैसे क्या हो दोनों 90 प्लस 60 1,50,000, ये भी बैंक में आएंगे, क्यों, क्योंकि वो प्रीमियम किस में लाया था कैश में लेकर आया था 1,50,000। अब इस साइड तो कुछ भी नहीं है बैंक का, तो बस इसको हम क्या कर देंगे टोटल कर देंगे 4 लाख प्लस 150 550 प्लस 50, कितना हो गया ये 6 लाख रुपीज का बैंक बैलेंस हो गया। अब इसकी भी मैचिंग हो गई, देखो अब हमारी इसकी देखो यहाँ पर इसकी मशीनरी स्टोर डेटर ये सब पूरी साइड हमारी कंप्लीट है। अब हम इस साइड आ जाते हैं, अब क्या है मधु कैपिटल और विधि कैपिटल, जो पुरानी बैलेंस शीट थी उसमें पुराने पार्टनर्स के कैपिटल थे, अब जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें हमारे न्यू पार्टनर्स की भी कैपिटल एड ऑन हो जाएगी, तो सबसे पहले किसकी कैपिटल आएगी मधु कैपिटल, मधु जो हमने बैलेंस देखो बीडी जो था वो हमने पुरानी बैलेंस शीट से उठाया था, बैलेंस शीट से उठाया था, ये जो बैलेंस सीडी होते हैं ये हमारी न्यू बैलेंस शीट में तीनों के आगे इनके नाम के आगे ये बैलेंस चले जाएंगे। पहला कितना है 5,98,000, उसके बाद विधि के कैपिटल लिखेंगे वो कितना है 4,17,000, उसके बाद गायत्री की लिखेंगे कितनी है 4 लाख, ये हो गया इसकी मैचिंग डन है। अब आते हैं जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व देखो हमारा क्या था, रिजर्व हमारा जैसे लेफ्ट था उतना ही पूरा का पूरा 30,000 राइट साइड में
कट आउट हो गया, क्यों? क्योंकि देखो सेम साइड होती है तो हम ऐड ऑन करते हैं, अपोजिट साइड होती है तो माइनस करते हैं। ये लेफ्ट साइड है ना 30, इसमें तो कहीं पर भी नहीं आया, इसमें तो कहीं पर भी नहीं आया, लेकिन इसमें कहीं नेक्स्ट वाले में क्या हुआ, अपोजिट हो गया उतने ही अमाउंट से, तो वो क्या हो गया, क्रॉस में पूरा जीरो हो गया, तो जनरल रिजर्व यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट एंट्री बिल पेबल, बिल पेबल का देखो यहाँ पर कोई भी अमाउंट नहीं है तो हम उसको एज इट इज का ही 1,50,000 ऐसे ही लिख देंगे। अब हमने सबकी मैचिंग कर ली, ये सारी एंट्रीज हमारी पूरी मैच कर गई, उसके बाद हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में एक बार हम सारा चेक करेंगे, अगर किसी की मैचिंग बच गई है तो हम देखते हैं। देखो लैंड बिल्डिंग पे टिक हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का हमारा हो गया था क्योंकि हमने पहले ही स्टार्टिंग में इसकी रफ प्रोसेस करके देखी थी डेटर्स का, जो मैंने वहां पर भी कर दी थी, ठीक है, इसका भी हो गया। बच्चा वर्कमैन कंपनी प्रॉफिट जो था, ये प्रॉफिट जो था वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया था। ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है, इसकी हमारी जो पुरानी बैलेंस शीट है इससे मैचिंग हमारी नहीं हुई थी क्योंकि यहाँ पर नहीं रखा हुआ था। जो भी चीज़ मैचिंग करने में रीवैल्यूएशन से बच जाता है, जिस भी साइड में बच जाएगा, जैसे लेफ्ट साइड में बच गया तो बैलेंस शीट में लेफ्ट में ही रख देंगे, अगर राइट साइड में कुछ बच जाता है तो राइट साइड में आ जाएगा। अब वर्कमैन कंपनसेशन ये बच गया ना हमारा 6,000 रुपीज का लेफ्ट साइड में, तो सेम साइड बैलेंस शीट में उतार देंगे इसको। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 6,000, क्यों? क्योंकि हमारा इससे किसी से भी मैचिंग नहीं हुई थी तो हमने एज इट इज इसको उतार दिया। अब हमारी सारी आइटम्स क्या है बैलेंस शीट में, हमारा जो पुरानी बैलेंस शीट थी उसके आइटम्स की मैचिंग करके, और जो भी हमारा रिवैल्यूएशन और कैपिटल में भी कुछ बच रहा था तो हमने सब कुछ डाल दिया, ठीक है, सब कुछ डाल दिया। अब हम एक बार फिर भी रिवैल्यूएशन में चेक करते हैं, सबकी मैचिंग हो गई, ये हो गई, ये भी डन है, ये भी डन है, ये प्रॉफिट हमारा कैपिटल में शिफ्ट हो गया था। अगर इन केस रीवैल्यूएशन में किसी की मैचिंग बैलेंस शीट से बच जाती है, किसी से बैलेंस शीट में बच जाती है कि आपकी एक आइटम यहाँ पर रह गई और एक आइटम कुछ यहाँ पर रह गई, तो वो सेम साइड ही अगर राइट साइड में बच गई तो नीचे बैलेंस शीट में राइट साइड में ही शिफ्ट हो जाती है उसी नाम से, और अगर लेफ्ट साइड में अगर छूट जाती है कोई आइटम रह जाती है मैचिंग से तो वो सेम साइड में बैलेंस शीट में आ जाती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का टोटल कर लेंगे, दोनों साइड्स का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर हम इस साइड का पूरा टोटल करते हैं तो वो हमारा आ जा रहा है 15,71,000 और इस साइड का भी सेम आ रहा है 15,71,000। यहाँ पर हमारे दोनों साइड्स का बैलेंस शीट का टोटल इक्वल है, आप भी अपनी अपनी नोटबुक्स में करके देखना, चेक करना, सेम आएगा। इन केस अगर आपको कोई एंट्री इसमें नहीं समझ आ रही है कि हमने इसको कैसे किया है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगी।